चलिए क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा रीड कर देता हूँ, जिनके पास बुक है उन्होंने बुक में से पढ़ लिया, जिनके पास नहीं है वो समझ लेंगे। कहता है भाई हमारे पास 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 50,000, तो कायदे से देखा जाए तो 5,00,000 रुपये हमें प्रेफरेंस शेयर का इंतजाम करना है। रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, कितने रुपए का इंतजाम करना है, 5,00,000, समझ में आया यहाँ तक। और 50,000 रुपये हमें प्रीमियम का भी इंतजाम करना है, क्योंकि 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो वापसी लौटाने, 5,00,000 तो फेस वैल्यू और 50,000 प्रीमियम। आगे देखा जाए तो कहता है इसको रिडीम करने के लिए कंपनी ने कुछ तैयारी करा, 30,000 10% वाला इसने क्या करा, इक्विटी इशू कर लिया, और साथ के साथ 4,000 यानी 4,00,000 रुपए का डिबेंचर, 3,00,000 का, देखो हमें इंतजाम 5,00,000 करना है और 50,000 प्रीमियम, इसके लिए कंपनी ने क्या करा, 3,00,000 के शेयर्स इशू कर दिए और 4,00,000 के क्या इशू कर दिए, डिबेंचर, और दोनों प्रीमियम पे, प्रीमियम को तो हटा ही दो, प्रीमियम पे तो जनरल एंट्री में देखेंगे, और हमारे जीआर में पड़ा हुआ है इतना। तो सबसे पहली बात, अगर हम डिबेंचर को फ्रेश इशू करते हैं तो क्या उससे कैपिटल पे इंपैक्ट होता है क्या, नहीं। तो डिबेंचर के इशू से कोई लेना देना नहीं होता सीआरआर का, एंट्री करेंगे जनरल एंट्री करेंगे लेकिन सीआरआर का कोई लेना देना नहीं होगा। चलिए पहली एंट्री करके दिखाते हैं। क्वेश्चन में कुछ बोला है इसने कि 3,000 शेयर जो है वो 10 रुपये का 2, 3, 4 कोई पार्टली जैसे इंस्टॉलमेंट तो नहीं है, तो यहाँ केस में एंट्री करेंगे पहली एंट्री बैंक। चलो मैं कुछ वर्किंग नोट भी बता दूँ, वर्किंग नोट में हमें रिक्वायरमेंट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कितने का, 5,00,000 रुपए का, और फ्रेश इशू से हमें कितना मिल जाएगा, 3,00,000, और रिक्वायरमेंट कितने का है, यानी वी शुड प्रिपेयर सीआरआर 2,00,000 का, हमें सीआरआर प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है ना। पहली एंट्री अब स्टार्ट कर देते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं पहले इसको कर रहा हूँ, आप बोलोगे तो मैं दोनों एक साथ भी कर सकता हूँ, अलग अलग कर देते हैं। ये कितने आ जाएंगे, 3,10,000, 3,30, 2 शेयर एप्लीकेशन लिखोगे तब भी चलेगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखोगे तब भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अगले पॉइंट पे आ जाए, अगले पॉइंट पे आते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 2, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए, 3,30,000, और यहाँ 3,00,000, और यहाँ 30,000। अगली एंट्री अब डिबेंचर को इशू कर देते हैं, तो डिबेंचर को इशू करने का सिंपल सा इशू ही आएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं आएगा, तो बैंक में फिर से अगेन पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिबेंचर इशू करने जा रहे हैं तो कितने, 4,00,000, 100 रुपये का है ना, और 5% प्रीमियम, तो 4,00,000 का 5% 20,000, तो 4,20,000। कुछ बच्चों को इनमें दिक्कत आ रही होगी कि कैसे आ गया 4,20,000, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको करना है 4,000 गुना में 105, ठीक है ना, 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर लो जी 4,20। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताएं। अगली एंट्री भी कर देता हूँ तब पूछते हैं, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2, कितने परसेंट है भाई, 10%, 10% डिबेंचर 4,00,000, इसमें कितने, 4,20, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। कोई दिक्कत है तो बताएं, यहां तक कोई परेशानी है तो बताएं, फिर मैं आगे चलूं। है कोई दिक्कत यहां तक, सबको समझ में आ रहा है, ये तो बेसिक बेसिक एंट्री है। अब हम बात करेंगे रिडम्पशन की और सीआरआर की भी बात करेंगे। तो रिडम्पशन से पहले सीआरआर बना लो, तो सीआरआर बना लेते हैं, डेट का कोई इतना मेजर रोल रहेगा नहीं, तो सीआरआर कितने का बनाना है, और 2,00,000 रुपये कहाँ से इस्तेमाल करना है, सोर्स बताए थे, हमारे पास है सोर्स अवेलेबल, है, अगर नहीं देता तो मान लेते हैं है सरप्लस से एंट्री कर देते हैं।
तो हम बना लेते हैं पहले क्या है हमारे पास, जनरल रिजर्व टू सी आर आर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने का, और जो बच्चा बनाएगा पांच का उसका आंसर गलत, पांच का नहीं बनाना, कोई दिक्कत इसमें? बींग लिखते जाएंगे, पहली बार कर रहे हैं ना इसे फर्स्ट टाइम, तो बींग लिख देते हैं, बींग बींग सी आर आर क्रिएट रुपीज 2 लाख, बस तैयारी पूरी हो गई है। अब बस रिडेम्पशन का प्रोसेस शुरू करना है। अब रिडेम्पशन का जब प्रोसेस शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएंगे, आ जाओ भाई पैसे ले जाओ। रिडेम्पशन का मतलब क्या है, पैसे देने, तो मैं बुलाऊंगा ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, आइए और अपने पैसे ले जाइए। तो प्रेफरेंस शेयर को जब हम देते हैं ना कैपिटल, इक्विटी को भी कैपिटल दे रहे हो तो क्रेडिट करते हो ना, कहाँ गया ये रख, हर जगह पे जब कभी किसी को कोई देते हैं सामान तो क्रेडिट करते हैं, वापस बुलाएंगे तो क्या करना चाहिए, डेबिट। मैंने बोला आ जाओ भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो आने लग गए, वो आने की एंट्री देखो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, बोल रहा 5 लाख दो। अब वो बोल रहा प्रीमियम भी दो, मैंने बोला ये भी मेरा नुकसान है, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने, और जो प्रेफरेंस शेयर है ना उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 50,000 में तो बड़े सारे नाम हो सकते हैं, तो सबका नाम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका एक कॉमन नाम देंगे, क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मैं वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप समझ जाइए क्या होगा, PSH क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और ये कितने आ जाएंगे, 5 लाख। इसका बींग भी लिखते हैं, इसका बींग क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर अमाउंट दे दिया या देना है, देना है ड्यू, सिंपल, दिक्कत। अब पैसा दे दे, जब बुला लिया तो पैसे तो देना ही होगा ना, तो पैसे दे देते हैं, पैसे देने की एंट्री देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, ये लो जी पैसे दे दिए, कितने दे दे, 5 लाख, 5,50,000। बींग क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अमाउंट, होल्डर अमाउंट, देखो कितना इजी चैप्टर है ये, ठीक है। अब एक काम और करना है सिक्योरिटी प्रीमियम का, भाई इसका सिक्योरिटी प्रीमियम खर्चा मान के बैठे हैं, इसको खत्म तो करना है, तो आपके पास अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है तो वहीं से खत्म करोगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पी एंड एल से खत्म करोगे, ठीक है। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है, कितने रुपए का है, 30 यहां पे है, और ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पे होगा पता, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, तो इस पैसे का इस्तेमाल इस पैसे को देने में हो सकता है। ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा है, ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम देना है, और ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम हमने लिया है, तो ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए खर्चा है और ये वाला इनकम है। तो अब एंट्री देखो कितना आसान एंट्री है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब बोलेंगे बच्चे कराई क्यों इसको फिर, अब ये जो डेबिट में है ना, ये कौन से वाला है, जो हमने लिया है ये वाला है, देखो ये वाला डेबिट में है, ये वाला है डेबिट, यहां क्रेडिट क्रेडिट था, इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, और ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम जो लिखा है ना वो ये वाला है, क्योंकि यहां डेबिट था, इसको खत्म करने के लिए क्या करा हमने, तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम करना पड़ता है। लेकिन बाय चांस मान लो 60,000 का प्रीमियम होता तो हमारे जेब में तो 50 ही है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करते, 50 डेबिट। अब जो कम पड़ रहा है कहां से निकाल लो, पी एंड एल से, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं एक एंट्री यहां पे और ऐड कर देता, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने का, 10,000 रुपए का, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का हो जाता, 60 का। समझ में आई बात आपको, ज्यादा कितना, ज्यादा होता तो पड़ा रहता लाइबिलिटी में, हमें बैलेंस शीट भी बनाना आ गया आएगा, तो ज्यादा होगा तो हमारे पास पड़ा हुआ रहेगा। अब दूसरी बात,
सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम देखो, 12th स्टैंडर्ड पे ये वाली एंट्री, पहले रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, डिबेंचर में ये वाली एंट्री 12th स्टैंडर्ड तक मना कर देते हैं, हम नहीं करवाते हैं, लेकिन ये एंट्री हमें करना होता है। आपके बुक में भी कर रखा होगा, आप चेक कर लो, आंसर वांसर जो भी दे रखा है देख लो भाई, अपना देख लो। हाँ तो उसने कर दिया ना, सिक्योरिटी रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितने प्रीमियम, तो पूरा वर्ड लिख दिया जिससे थोड़ा कन्फ्यूजन क्या हो, कम हो जाए। मैंने ये लिखा है, आप वहाँ लिख सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिडेम्पशन। चलिए देखते हैं किसका डाउट है, यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे हिसाब से हर किसी। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए मैं एक बार समरी समझाता हूँ क्वेश्चन मैंने क्या बनाया। जिसके पास बुक है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास बुक नहीं है वो समरी देख के समझ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा मैंने कि भाई 10,000 15% वाले प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का एक है, जिसको रिडम्पशन हमें करना है 10% प्रीमियम पे। यानी चैप्टर के हिसाब से हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना है, उसका कौन से वाला है, 15% वाला, ठीक है ना, 15%। और 10,000 देखा जाए तो हमें रुपीस के टर्म्स में देखा जाए तो हमें इंतजामात कितने की करने हैं, 10,00,000 रुपए का हमें अरेंजमेंट करना है। इसके लिए मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, जो कि कितने परसेंट है, 10%, यानी 1,00,000। इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम 1,00,000, ये तो कहानी है छोटी सी। इसके लिए कंपनी के पास पहले से कुछ जनरल रिजर्व है और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी पैसा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा CRR बनाने के लिए तो यूज़ हो नहीं सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम का लिए पैसा किसके लिए यूज़ हो सकता है, इस प्रीमियम को पेड करने के लिए, समझ रहे हो ना बात को। अब आगे कहता है कि इसके लिए हम जो पैसा पेड करेंगे ना, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया मार्केट में, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन के बीच में बोले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बेच दिया हमने, मशीनरी बेच दिया, बेच दिया तो बेचने बेचने की एंट्री करना है, इसका क्वेश्चन से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो क्वेश्चन बड़ा करने के लिए और एक स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलेगा, उसने इन्वेस्टमेंट बेचा, मशीनरी बेचा, प्लांट बेचा, तो बेचा तो बेचने की जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक में पैसा लोगे और उस एसेट्स को क्या कर दोगे, क्रेडिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, मैंने इन्वेस्टमेंट 3,50,000 रुपए का बेचा, जिसकी कीमत बुक वैल्यू का मतलब मैंने खरीदा 5,00,000 का था, तो कंपनी ने 5,00,000 वाले सामान को कितने का बेच दिया, 5,50,000, तो यहाँ पर कंपनी का नुकसान भी हो गया। नुकसान कितने का हो गया, 1,50,000 का हो गया नुकसान, समझ रहे हो बात को। अब आपको ये भी ध्यान रखना है दिमाग में, 1,50,000 का नुकसान हो गया, GR में 7 है तो 1,50,000 उड़ चुके हैं, अब GR में 7 नहीं है, GR में कितने बचे, क्योंकि आप बोल रहे सर GR में कितने बैलेंस है, 7,00,000। अब आपको दिमाग बिल्कुल हर जगह लगाना है कि 1,50,000 का तो नुकसान भी होगा, जिसको कहां से कंपनसेट कर देंगे, GR से, तो 5,50,000 ही बचे हमारे पास GR में, ठीक है ना, वो चीजें लेके चलना है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। इशू ऑफ इसके लिए हमने नंबर वन काम क्या करा, डिबेंचर इशू कर दिए 12% 2,00,000 का एट पार पे, तो सर डिबेंचर इशू करे तो इससे तो कोई भला नहीं होगा। और नंबर दो हमने और प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर दिया 10 रुपये का 10% प्रीमियम पे, 50,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये वाला, तो सर प्रेफरेंस शेयर इशू करा तो अब कहीं ना कहीं हमें थोड़ी राहत मिल सकती है कि 10,00,000 का कैपिटल वापसी लेंगे और इसमें से हम 5,00,000 रुपये का तो वापसी पे कैपिटल लेके भी आ रहे हैं हम बिजनेस में, तो यानी हमें CRR की रिक्वायरमेंट होगी वो कितने की होगी, सर 5,00,000 का कहाँ लिखा है कि आप वापस लेके आ रहे हो, कर रहे हो ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो ना, कितने इशू कर रहे हो आप, 50,000 गुणा में 10, तो 5,00,000 रुपए का देखो 10,00,000 का प्रेफरेंस शेयर वापस ले रहे हो बैलेंस शीट में से और बाकी 5,00,000 का डाल रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका कैपिटल इंपैक्टेड कितना हुआ, सिर्फ 5,00,000 का। उसी के लिए तो हमें क्या बनाना है, CRR बनाना है, समझे बात, कोई दिक्कत यहां तक, पूरा क्वेश्चन क्लियर है। लास्ट लाइन में लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लेना है। एंट्री फटाफट से एक एक करके स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट यहीं बेच देते हैं, ठीक है, तो हमारे बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए आएंगे, 3,50,000। सर लॉस भी हो गया तो लॉस को क्या कर दें, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर आप जनरल रिजर्व भी कर सकते हो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व से कंपनसेट कितने का, और 2 मेरा इन्वेस्टमेंट चले गया। हालांकि P&L सरप्लस आना चाहिए, लेकिन मैं धीरे धीरे सिखाता जाऊंगा, धीरे धीरे आप आगे समझ जाओगे, क्योंकि इसकी पूरी बैलेंस शीट भी बननी है आगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अगली एंट्री में क्या करें, इस डिबेंचर को इशू कर दे, फालतू का काम देते हैं ये, इसका कोई रोल ही नहीं रहता कभी भी, तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू कितने परसेंट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन कितने लाख का, और आगे क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% सिर्फ डिबेंचर। अब डिबेंचर का चैप्टर आगे आएगा, इशू भी है रिडेम्पशन भी है, समझे, दो बातें खत्म हो गई। 2 लाख का, अच्छा 2 लाख का है, मैंने जल्दबाजी में 5 लाख लिख दिया, करेक्ट कर लीजिए आप इसको, 2 लाख, ठीक है। ये काम भी डन कर दिया हमने, इसका ये काम भी हमने डन कर दिया। तीसरा काम बोलता है प्रेफरेंशियल इशू करो, लो जी कर देते हैं प्रेफरेंशियल, बैंक अकाउंट डेबिट, ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, मतलब इस कनेक्टेड है, टू 12% प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, काफी बच्चे बुक के हिसाब से चलते रहते हैं, तो मर्जी है भाई। तो ये कितने आ जाएंगे हमारे, 10% प्रीमियम पे, तो 5,50,000। अब कुछ बच्चे पूछेंगे इसलिए मैं अभी लिख दूंगा कि सर ये 5,50 कैसे आया, तो यहाँ पे 50,000 मल्टीप्लाई 10% का मतलब 11, ये रहा इसका जवाब, ठीक है, 5,50 आ गया। अगली एंट्री में 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने रुपए, 5.5 लाख, 5,50,000। अब तैयारी करनी है, ये तो हमने उल्टी सीधी जो काम करवाया उसने वो कर दिया हमने। अब ड्यू कर, आपको रिडीम करने से पहले CRR बनाना पड़ेगा, तो CRR कहाँ से बना ले हम, GR से, कितने का CRR बनाना है, 5 लाख का, GR टू CRR, और ये बन गया 5 लाख का, ठीक है। अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएंगे, आ जाओ भाई अपने पैसे लेके जा सकते हो। तो जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएंगे तो क्या एंट्री करेंगे, 15% वाला है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने, 10 लाख। सर 10 लाख कैसे लिख दिया आपने, 10,000 गुणा में 100, और सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, कितने परसेंट, 10%, यानी 1 लाख, कैसे लिखा आपने ये, 10,000 10% प्रीमियम गुणा में 10, और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने आ जाएंगे, 11 लाख, बींग जो पहले लिखा था वही चलता आएगा, ठीक है। अब पैसे दे दे इसको, पैसे देने की एंट्री देखो, पैसे देने की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए दें, पूरे 11 लाख, 11 लाख, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहां तक। अगले पॉइंट पे चलें, अगला पॉइंट क्या कहता है सर, अगला पॉइंट बिल्कुल ये कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को, राइट ऑफ को खत्म करो। तो हम एंट्री क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन जो भी हो, सिक्योरिटी प्रीमियम टू, यहां पे लिख देता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो कितने चाहिए, 1 लाख। 1 लाख में से देखा जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास पड़ा हुआ है 10,000, और कहीं है 50,000, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना लिख सकते हैं, इससे ज्यादा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि SP टू SP 1 लाख 1 लाख कर दो। अब बाकी जनरल रिजर्व से इंतजाम करना है, 40,000, क्या जनरल रिजर्व में 40,000 है, है, तो बाकी जनरल रिजर्व से ले जाते हैं हम इसको, जनरल रिजर्व 40,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हो गया। अब फिर कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये 60,000 रुपये आपने कैसे लिखा, तो उसका जवाब ये है कि इशू पे हमें इकट्ठा हुआ था 50,000 का, और पुराना हमारे पास पड़ा हुआ था 10,000, ऐसे 60 आया, और हमें इंतजाम प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए चाहिए, तो 40 हमने GR से निकाल लिया, फाइनली हमारे पास ये है, ठीक है। अभी बताया भी था मैंने थोड़ी देर पहले, नोट करिए, जिसका डाउट है वो पूछ सकते हैं।